गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं डी के सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर को मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री कि जो भी चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा ड्यूरिंग 11th 12th या कॉम्पिटेटिव लेवल पे, तो उसमें मूल कंसेप्ट का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मूल कंसेप्ट हमें सही से नहीं आया, मींस हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर मीन्स स्टार्ट का मतलब ये है कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक बहुत ही अच्छे लेवल तक हम इसको ले जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या इसको मूल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको कई बार स्टाइकोमेट्री भी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। पहले हमारे प्रायोरिटी होगी कि मैं एनसीईआरटी लेवल कवर करूं, फिर इसको हम हायर लेवल में भी ले जाएंगे, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं भाई, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि मैटर क्या होता है। मीन्स सबसे पहले मैं बात करूंगा मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है, बोलिए क्या है इसका जवाब भाई? मैटर को अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो आप कहोगे यस मैंने पढ़ा है, क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा इस टॉपिक को, और चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके अलावा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक चैप्टर है, उसमें भी इस चीज़ की डिस्कशन होती है। फिलहाल मैं डिफाइन करता हूँ मैटर को। अगर मैं डिफाइन करूँ तो बोलते हैं एनी थिंग दैट्स ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड फेल्ट बाई आवर सेंसेस आर कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जिसमें मास हो और जिसको हम फील कर सके अपने सेंस के द्वारा, उसको हम बोलते हैं मैटर। क्लियर हो गया भाई? जैसे मैटर की मैं बात करूँ, मेरे हाथ में आपको एक मार्कर दिख रहा होगा भाई, इस पेन से मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, तो ये मार्कर भी एक तरह का मैटर है, ये बोर्ड भी एक तरह का मैटर है। तो क्या सभी मैटर एक जैसे हैं? बोलिए भाई, क्या सभी एक मैटर एक जैसे हैं? आंसर होगा नहीं, सभी मैटर एक जैसे नहीं होते हैं। मीन्स हमें ज़रूरत है मैटर को क्लासिफाई करने की। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमें पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में बेसिकली हम दो तरह के बेस बनाएंगे। पहला होता है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा, और दूसरा होगा ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। मतलब दो तरह का बेस है हमारे पास, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। पहला डिस्कस करेंगे ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर इस प्रॉपर्टीज़ के बिहाव पे हम किसी मैटर को क्लासिफाई करें तो हमें पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाव पे हमारा जो सब्सटेंस होता है, पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा जो होता है हमारा गैस होता है। बेसिकली ये मेनली जो हमारा सब्सटेंस है इन तीन कैटेगरी में डिवाइड होगा। इसके अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन भी एक कैटेगरी होती है जो कि सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं हम ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉलिड लिक्विड गैस की मैं बात करूंगा। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, इसको हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, मैं एक बार आपको फिर से डिस्कस कर देता हूं। सॉलिड की मैं बात करूं तो सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इन विच सफिशियंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। सॉलिड किसी सब्सटेंस का वो फॉर्म है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स सफिशियंट होता है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड भी एक फॉर्म होता है सब्सटेंस का, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है रिलेटिवली कम होता है, किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल होता है। मीन्स हम कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेट होता है वो डिफाइन करते हैं दो तरह के म्यूचुअल टेंडेंसी से। पहला टेंडेंसी का नाम होता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा होता है स्केपिंग टेंडेंसी या स्केपिंग बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मींस मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करूं तो म्यूचुअल अट्रैक्शन को हमने एम ए लिख दिया, ठीक है।
हम कहेंगे कि MA बहुत ही ज़्यादा हो जाए अगर ET दैट इज स्कैपिंग टेंडेंसी, तो वो फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस को हम कहेंगे सॉलिड। अगर मैंने कहा म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा सॉलिड से कम हो स्कैपिंग टेंडेंसी से, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं लिक्विड। अगर मैं कहूँ कि स्कैपिंग टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा हो जाए, मतलब स्कैपिंग टेंडेंसी डोमिनेट करे म्यूचुअल अट्रैक्शन पे, दैट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड गैस। मीन्स गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या हम कहेंगे स्कैपिंग टेंडेंसी डोमिनेट करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा उसको थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो हम लिखेंगे ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे बेसिकली हमारा जो सब्सटेंस होता है या हमारा जो मैटर है, मैटर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली प्योर इम्प्योर से क्या मतलब है, या इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप थोड़ा सा आप भी इस पर डिस्कस करो भाई। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्योरिटी, भाई प्योरिटी को डिफाइन करने का आप क्या विजन होता है। विजन यही होता है कि प्योरिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के कंपोनेंट्स हो वो प्योर कहलाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लिख सकते हैं कि सब्सटेंस और मैटर विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ, क्या बेटा, ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर होता है मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को जो कंटेन करता है वो बेसिकली मिक्सर कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे फर्दर हम मिक्सचर को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मिक्सचर की तो मिक्सचर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है, मैं लिखता हूं नाम, होमोजीनियस मिक्सचर, एक को बोलते हैं बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है भाई। होमोजीनियस मिक्सचर से क्या मतलब है भाई, होमोजीनियस क्या होते हैं बताइए, होमोजीनियस से क्या मतलब है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहे तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या हम कहेंगे अ मिक्सचर विथ फिक्स कंपोजिशन इज कॉल्ड बेटा होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स मिक्सचर विथ फिक्स्ड कंपोजिशन इज कॉल्ड क्या बेटा, होमोजीनियस। दूसरा हम कहेंगे मिक्सचर विथ वेरिएबल कंपोजिशन इज कॉल्ड क्या बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया सबको? बोलिए भाई, कोई डाउट तो नहीं है, सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने बेसिकली मिक्सचर को भी क्लासिफाई कर दिया, अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या हम प्योर सब्सटेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। यस, अगर मैं बात करूं किसी प्योर सब्सटेंस की तो कोई भी प्योर सब्सटेंस अगर हमारे पास है तो इस प्योर सब्सटेंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट्स और दूसरे को बोलते हैं हम कंपाउंड, क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड्स।
थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से समझोगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ और भी पॉइंट्स को जानना पड़ेगा। बिना उन पॉइंट्स को जाने हम एलिमेंट्स और कंपाउंड को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करना है, मैं उस टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, हमें डिस्कस करना होगा एटम्स क्या होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हमें डिस्कस करना होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए भाई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी आपने पढ़ा होगा। एटम्स की मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि एटम्स को सबसे पहले डाल्टन ने डिफाइन किया था, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल भी हो गई थी। इस डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं और हम इसको मूल कंसेप्ट में भी पढ़ते हैं। मैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की मैं बात करूँ तो डाल्टन ने कहा कि एवरी मटेरियल इज मेड अप बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड विच कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। क्लियर हुआ? डाल्टन ने कहा कि सभी मटेरियल छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, बट इसका एक सो मेजर ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर एटम को हम ये कहते हैं कि वो इंडिविजुअल है, मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता, डिविजिबल है नहीं है, बोलिए, अगर डिविजिबल नहीं है और हम कहें कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो दोनों बात तो कंट्रोडिक्ट कर गए ना, बोलिए। मींस ये कहना ठीक नहीं है कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल होने के बाद जो नया कंसेप्ट है एटम्स को डिफाइन करने का, उसको हम लोग सीखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे। आप अपने कॉपी में नोट करोगे, अब मैं डिफाइन करता हूँ एटम्स को। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मटेरियल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल एटम्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? सबको क्लियर हो गया? मतलब किसी भी मटेरियल का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करे या ना भी करे बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसको हम बोलते हैं एटम। क्लियर हो गया? अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, अगर मैं एटम की एग्जाम्पल की बात करूँ तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सभी क्या है भाई? एटम्स हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने। मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूल्स सबसे आसान जो तरीका है, हम इसको बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ एटम। मींस एटम्स अगर कंबाइन हो जाएं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया ना? बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमें एटम्स को कंबाइन करना होगा। अब मैं इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो देखो भाई, O2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, N2 है, P4 है, O3 है, ये सभी क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा H2O, HCl, HBr, HNO3 या हम C12, H22, O11 भी कह सकते हैं, ये सभी सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। मॉलिक्यूलर फॉर्म होने का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है, ऑक्सीजन में दो एटम्स हैं, दो एटम्स जब भी मिलते हैं तो वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, और ग्रुप्स ऑफ द एटम हमेशा मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया सबको भाई? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिफाइन हो गया। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। किसकी बात करें? एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स को आप डिफाइन करोगे, अब आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको डिफाइन करना। एलिमेंट्स को अगर मैं डिफाइन करने की बात करूँ तो आप बोलोगे द एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस which are formed by combination of same type of atom। नहीं आया समझ में? जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, अगर वो एक ही तरह के एटम से मिलके बन जाएं, तो उनको हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट्स। या हम कह सकते हैं द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म बाई सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट्स। मीन्स सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स से मतलब है जैसे ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन एटम जुड़ के ऑक्सीजन O2 फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये O2 फॉर्म हो रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि जो O2 हैं, एटम्स तो एक ही जैसे होंगे भाई, सभी एटम्स सेम होंगे। इसी तरह से हम Cl2 भी कह सकते हैं, इसी तरह से हम Br2 भी कह सकते हैं, I2 भी कह सकते हैं, N2 भी कह सकते हैं, P4 भी कह सकते हैं, S8 भी कह सकते हैं, ये सभी क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, बोलिए, तो कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग होंगे,
हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों अलग अलग होंगे, हाइड्रोजन ब्रोमीन अलग होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हैं। मीन्स ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब वाटर H2O, HCl, HBr और HNO3 और C12H22O11, ये सभी हम कंपाउंड के कैटेगरी में इसको हम लिखेंगे। बोलो बेटा, सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सबको क्लियर होगा, ये बेसिक टॉपिक था जिसको हमें कवर करना था। ये डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे हम जाएंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि बेसिकली आगे के टॉपिक्स को हमें कवर करना है और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डायरेक्ट हम डिस्कस करते हैं मोल। ठीक है, अब हम मोल को सीख सकते हैं भाई। हमारे पास बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है मोल को सही करने के लिए, वो हमारे पास आइडिया आ चुके हैं, मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोल? आप आंसर आपसे चाहिए। बोलो बेटा सभी लोग, मोल क्या है? बोलिए भाई, मोल को कैसे डिफाइन करोगे? मोल की एक तो डेफिनेशन भी होती है, उसको भी हम लोग समझेंगे, उसके अलावा बेसिकली मोल का मीनिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा कि मोल एक लैटिन वर्ड है, मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप और पाई, या कोई भी चीज़ एक ह्यूज अमाउंट में, कोई भी चीज़ एक लार्ज अमाउंट को अगर रिप्रेजेंट करती है तो उसको हम मोल कह सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक तो ये इसका एक मीनिंग समझ में आ गया। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हम लिखेंगे मोल इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या लिखोगे बेटा? मोल एक यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। मतलब कोई क्वांटिटी है उसके अमाउंट का जो ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो मोल होती है। बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, और हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर में भी पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैं बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी का, तो फिजिकल क्वांटिटी में आप बात करें लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है भाई, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है इस यूनिट को हम बोलते हैं मोल। मीन्स एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है कि मैं इसको डायरेक्ट रिलेट कर दूँ तो किसी केमिकल सब्सटेंस के अमाउंट को कहीं पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको इसके यूनिट पोर्शन को कैलकुलेट करना होगा, और इसका यूनिट पोर्शन होता है मोल। वाई मोल? आपको आंसर मिल गया होगा, मोल बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के किसी पर्टिकुलर अमाउंट को अगर आपको कैलकुलेट करना है, इट मीन्स आपको मोल कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट लगाने के लिए मोल आपके पास होनी चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये तो एक नॉर्मल डिस्कशन हो गया। अब मैं बात करूं कि डिफाइन कैसे करेंगे भाई, मेरा क्वेश्चन है कि डिफाइन कैसे करोगे? बताओ कैसे डिफाइन करेंगे? मोल का एक डेफिनेशन भी होता है, फॉर 11th स्टूडेंट डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर डिफाइन करूं तो लिखते हैं मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है? किसी सब्सटेंस का एक अमाउंट है, किसी पदार्थ की मात्रा है भाई। मोल क्या है? किसी सब्सटेंस का एक अमाउंट है जिसके अंदर एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं या कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मोल इज अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स और आयंस। थोड़ा सा आगे भी देखोगे, और आयंस विच आर एग्जैक्टली प्रेजेंट इन मैं लिखूंगा 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स। ठीक है, एक बेसिक वर्ड आ गया फॉर क्लास 11th स्टूडेंट, जो पास आउट स्टूडेंट होता है, जो कि जेईई और नीट की तैयारी के लिए आता है, तो आई थिंक वो आइसोटोप्स जानता है। हो सकता है कि 11th का बच्चा आइसोटोप्स का मतलब नहीं जानता है। हालांकि आइसोटोप्स को जो एटॉमिक टर्म्स हैं हम डिफाइन करते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, ये सारे वर्ड्स हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बट मैं यहाँ आइसोटोप्स की मीनिंग क्लियर कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। एक बार बोर्ड की तरफ फोकस करो सभी लोग।
आइसोटोप्स का मत मैं करूं तो बोलते हैं दे आर द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। भाई एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए और एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। लाइक मैं एग्जांपल दूं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आप देखो भाई एटॉमिक मास तो इक्वल है बट इक्वल नहीं है, सॉरी इक्वल नहीं है बट एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे 6 है, मीन्स एटॉमिक नंबर इक्वल है, एटॉमिक मास इक्वल नहीं है, मीन्स कार्बन के ये आइसोटोप्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए भाई सबको क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस और पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स। इट्स अ रियल डेफिनेशन ऑफ मोल्स। मोल एक यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का, या मोल की एक मीनिंग होती है जिसका मतलब होता है हीप और पाई, मतलब किसी भी लार्ज नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए मोल शब्द यूज करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली आप एक बात बताओ कि मोल मैंने डिफाइन तो कर दिया, मैंने डेफिनेशन में लिख दिया कि मोल किसी भी सब्सटेंस का एक अमाउंट है जिसके अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, पार्टिकल्स हैं। एक क्वेश्चन ये भी तो आएगा कि वो कितने हैं, बताइए भाई। मोल अगर हमने लिया है, मैंने कहा कि मेरे पास दो मोल्स हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, कितने आयंस होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, ये कैसे डिफाइन करेंगे? बोलिए भाई इसको डिफाइन करने के लिए हमें एवोगाड्रो की एक हाइपोथेसिस डिस्कस करनी होगी। बेसिकली वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड है। बेसिकली एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक रिजल्ट दिया। हम लोग उस रिजल्ट को देख लेते हैं भाई। भाई एवोगाड्रो ने जो हाइपोथेसिस दिया, एवोगाड्रो अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं तो उन्होंने कहा कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, या वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव या कंटेन फिक्स नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस और पार्टिकल्स। मेरी बात को फिर से समझना कि किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल हमने कंसिडर किया है तो वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ठीक है भाई लिखेंगे, वो क्या देगा 6.023 × 10³, या तो एटम्स देगा या फिर मॉलिक्यूल्स देगा, क्लियर हो रहा है सबको, या फिर आयंस देगा या फिर पार्टिकल्स देगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? क्या इस बात को समझ पा रहे हो? बोलो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपने किसी सब्सटेंस का मोल लिया है तो उस मोल में एग्जैक्टली वन मोल अगर आपने कंसिडर किया तो इसमें 6.023 × 10³ नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या पार्टिकल्स हो सकते हैं। समझ में आ गया? ये जो नंबर है 6.023 × 10³, इसको हमने एवोगाड्रो नंबर नाम दिया, इन द ऑनर ऑफ एवोगाड्रो, एवोगाड्रो नंबर कहा, और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा एन ए से। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किससे डिनोट करते हैं? एन ए से। इस पॉइंट को ध्यान रखोगे कि जो 6.023 × 10³ नंबर है उसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं सम एन इंटू ए से, एन ए से, एन इंटू ए नहीं बेटा, एन ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मैं अगर थोड़ा सा इसको और डिस्कस करूं तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे, क्या देखना है भाई कि हमने एक इन्फॉर्मेशन तो जान लिया कि अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का अगर मोल है तो उसके अंदर एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे, जैसे मैंने कहा वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस की मैं बात करूं तो इसके अंदर आप जान गए हो 6.023 × 10³ एटम्स होगा। मैं बात कर लेता हूं एटम्स को ही पहले ले लेते हैं। तो आप देखो बेटा अगर इसके अंदर टू मोल्स हो जाए तो क्या दिक्कत है भाई? टू मोल्स हो जाएगा तो आप बताओ टू मोल्स में 2 × 6.023 × 10³ कर दोगे इतने एटम्स। मैं कहूँ अगर 3 मोल्स हो जाए तो क्या दिक्कत है भाई? 3 मोल्स में आप कहोगे सर 3 × 6.023 × 10³ एटम्स हो जाएगा सर। बोलो बेटा अगर मैं कहूँ आपके पास n मोल्स हैं तो n मोल्स के लिए आप क्या लिखोगे? n × 6.023 × 10³। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? एक फॉर्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना? थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, ये फार्मूला बना कि नंबर ऑफ
एटम्स इन एनी गिवन सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस विल बी इक्वल टू सम एन दैट इज मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। मैंने कहा ये जो नंबर ऑफ एटम्स है इसको हम कुछ कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करा हमने, मोल्स को हमने स्मॉल एन से, और इसको मैंने पहले डिनोट किया है एन ए से, तो ये फॉर्मूला एन इंटू एन ए हो गया कि नहीं हो गया? बोल बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, सबको क्लियर हो गया? मींस किसी सब्सटेंस का मोल्स है तो हम उसके अंदर कितने एटम्स होंगे निकाल सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी निकाल सकते हैं, कितने आयंस होंगे एग्जैक्टली हम वो भी निकाल सकते हैं, और कितने पार्टिकल्स होंगे हम वो भी निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करूँगा, और डिफरेंशिएट मैं क्या करूँगा कि बेसिकली एटम्स का मतलब हमने सीखा है, मॉलिक्यूल्स हमने सीखा है, आयंस का मतलब क्या होता है भाई? आयंस का मतलब होता है एन एटम हैविंग चार्ज, किसी एटम के ऊपर अगर चार्ज होता है तो वो आयंस हो जाता है। और पार्टिकल्स का मतलब क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने नाम सुना है, तो पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब अगर मोल हमें पता चल जाए तो एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस, आयंस में चार्ज, क्लियर हो गया सबको? और पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन एनसीईआरटी कवर नहीं करता है, सिंपली एनसीईआरटी में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कवर करते हैं। कुछ कॉम्पिटेटिव लेवल में जाके हम चार्ज और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी कैलकुलेट करना सीखते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द मोल। हमने डिफाइन कर लिया, हमने एटम्स निकालना सीख लिया, बट अभी तक हमने मोल्स का कैलकुलेशन नहीं सीखा। तो हम लोग आगे जो हमारा टॉपिक होगा मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, उस टॉपिक को सभी लोग डिस्कस करोगे। यहाँ पे ध्यान से बोर्ड की तरफ फोकस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको मूल कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ आपको, जैसे मैं कहूँ कि मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, या मैंने कहा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मोल्स का कैलकुलेशन हमें पढ़ना है, तो पहला है, पहला मैं बनाऊंगा मोल्स फॉर, आप देखोगे एटम्स, कोई एटॉमिक सब्सटेंस है, इस एटॉमिक सब्सटेंस का मोल्स कैसे निकालोगे? अब पूछोगे एटॉमिक सब्सटेंस क्या है, तो एटम्स हमने पहले डिफाइन किया है, जिसमें एटॉमिक सब्सटेंस का मतलब हमने पहले डिस्कस किया है। एक और कैटेगरी हमने डिस्कस किया है जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स ही एलिमेंट और कंपाउंड में ब्रेक हो रहे हैं। मींस अगर हमने मॉलिक्यूल्स के लिए मोल्स निकाल लिया तो आपको रियलाइज होगा कि हम एलिमेंट्स और कंपाउंड के लिए भी मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही एलिमेंट्स और कंपाउंड को दो पार्ट में ब्रेक करता है। मींस पहला जो टॉपिक है मोल्स फॉर एटम, अगर इसकी मैं बात करूं तो मोल्स होगा गिवन मास। क्या बेटा? गिवन मास, याद रखना ये ग्राम में होना चाहिए, और नीचे लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और कई जगह पे इसको मोलर मास भी कह देते हैं, मोलर मास भी कहते हैं। इन शब्दों का बड़ा महत्व है भाई, एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक टर्म्स हैं। इन टर्म को हम लोग समझेंगे, समझना हमें पहले चाहिए था, लेकिन वो तब टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो जस्ट इस चीज को सीखने के बाद उन एटॉमिक टर्म्स को हम सीखेंगे। आप बस इतना याद रखोगे मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का मास, बेसिकली एक मोल सब्सटेंस का मास किस में? ग्राम में, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। लाइक सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा भाई? 23। आप जानते हो, उसके सामने ग्राम लगा दो। मैं कहूं कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास आपको नहीं पता है, लेकिन एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास 1 आप कहते हो भाई, तो 1 के साथ आप ग्राम यूज करो। बोलिए भाई, हीलियम का अगर ग्राम एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो आपको पता है कितना होता है भाई? बोलिए कितना होता है? आपको सबको पता है ना ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का 4 ग्राम होगा। 4 तो आपको पहले से ही पता है, ग्राम वर्ड और यूज कर दोगे तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। इसका क्या मतलब है मैं बताऊं, मोल्स को अगर मैंने कहा हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया, इस वेट को अगर मैंने डब्ल्यू टी नाम दिया, इसको जी ए एम, इसका शॉर्ट फॉर्म है ग्राम जी एटॉमिक ए एम मास,
ठीक है, तो ये n विल बी इक्वल टू होगा सम डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई जी ए एम। क्लियर हो गया? अब आप थोड़ा सा समझना बेटा, मैंने कहा अगर वेट हमने ग्राम में लिया है और नीचे भी ग्राम लिया है तो दोनों कैंसिल आउट होके मोल यूनिटलेस बन गया कि नहीं बन गया? मोल एक खुद ही अपने आप में यूनिट है। बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इस बात का ध्यान रखना है जो सब्सटेंस दिया होगा उसको हम किस में नोट करेंगे? बोलो बेटा ग्राम में। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास मोल्स आ गया। किसका? एटॉमिक सब्सटेंस का। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, तो इसको लिखोगे मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, और ये क्या होगा, सम एन विल बी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए। अगर एन की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो डायरेक्ट हमने नंबर ऑफ एटम्स डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई जी ए एम इंटू एन ए हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए भाई, ये सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये सबको अगर क्लियर हो गया तो आपको हम लोगों ने एटम्स तक की इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली, और इसमें हमें पता चल गया कि हम कैसे एटम्स निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में, और मोल्स उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद का जो भी लेक्चर होगा हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें इस पर न्यूमेरिकल्स, उसके बाद आगे के कुछ कैलकुलेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।